प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही ज्योति है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के करीब आते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उन गूढ़ बातों को जानते हैं जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है।
जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे मनों को खोलता है। यस प्रभु। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा विश्वास का वरदान और बढ़ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं। यस प्रभु जी। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हमें प्रार्थना में अपने जीवन को बिताना है। हमें प्रार्थना करना और यीशु के करीब आना है। हमें प्रार्थना करना है, उससे कहना है कि प्रभु मैं तुझे और जान सकूं, मैं तेरे और करीब आ सकूं। परमेश्वर मेरी ऐसी बुद्धि खोल, मुझे ऐसा ज्ञान दे, मुझे ऐसी समझ दे ताकि मैं तेरे करीब आ सकूं। तेरी लंबाई चौड़ाई गहराई को जान सकूं परमेश्वर, तेरा हो जाऊं और तुझ में बना रहा हूँ। क्योंकि प्रभु तो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तो अगर सिद्ध होना चाहता है तो तुझे मेरी उपस्थिति में रहना होगा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आज हम परमेश्वर वाचा बांधते हैं, आज हम परमेश्वर तुझसे कहते हैं कि हम तेरी उपस्थिति में ही रहना चाहते हैं। हम कोई सुख नहीं चाहते परमेश्वर, तेरी उपस्थिति का सुख है जो हम जी पाए, तेरी ज्योति को महसूस कर पाए, उस अंधकार से निकले जो जिससे तूने निकाला है, और पल भर हर पल हम तेरी ज्योति में रहे परमेश्वर, तेरा आशीष पाए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इसलिए बाइबल कहती है प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू महान है, तू जैसा कोई नहीं है। आइए जोर से तालियां बजाते हुए अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर क्यों कहता है? प्रार्थना बाइबल में क्यों एक मुख्य उसका आदेश है? यिर्मयाह 33:3 कहता है, तू प्रार्थना कर और मेरे करीब आ, मैं तुझे वो गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर को जानना है, हमें उस यीशु को जानना है जिसने अपना सर्वस्व हमारे लिए निछावर कर दिया, जिसने अपना बलिदान अपना लहू बहा दिया ताकि हम शुद्ध हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं। हमें उस यीशु को और जानना है। मेरे भाई, हम अभी तक कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया ताकि हम पापों शापों से मुक्त हो जाएं। बाइबल कहती है कि यीशु के उस प्रेम को जानो जो हमारी समझ से बाहर है, समझ से बाहर है। उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी दया, आप और मैं अगर उसके इस कलीसिया में बैठे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, ये बहुत बड़ा उसका आशीष है, बहुत बड़ी कृपा है कि हम उस नाम को अपने मुंह से ले रहे हैं। आज हमारा उद्धार हुआ है, हम यीशु के साथ स्वर्ग में जाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हेलो, कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा आशीष, कितनी बड़ी कृपा परमेश्वर की हम पर हुई है कि उसने अपना नाम, उसने मेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा है। बाइबल कहती है कि मैं उसकी आंखों की पुतली हूं। आमीन। वो हर पल हर क्षण हमारे साथ है, इसलिए वो कहता है प्रार्थना करो ताकि तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर सको, प्रार्थना करो ताकि तुम उस अभिषेक को महसूस कर सको जिसको मैंने तुम्हारे लिए उड़ेला है। वो अभिषेक, उस आत्मा का अभिषेक जो परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उस आत्मा किस अभिषेक की भूख में रहना है। मत्ती 5:6 कहता है, धन्य है वो, आमीन, जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं।
धन्य वो नहीं है जिसके पास मोटर है, जिसके पास बंगला है, जिसके पास पैसा है, नहीं। बाइबल कहती है धन्य वो है जो धार्मिकता का भूखा प्यासा है, जो उसके राज्य की खोज कर रहा है, वो धन्य है। हम लोग चर्च में आते हैं मेरे भाई, देखिए यीशु मसीह की जो शिक्षा है ना वो बहुत ही अद्भुत है, उसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हम उसकी शिक्षा को समझे बिना अपने मसीह जीवन को जिएंगे ना मेरे भाई मेरी बहन, तो आप उसके अभिषेक उसके आशीष को जो आपके लिए परमेश्वर दे चुका है महसूस नहीं कर पाएंगे। फिलिपियो 1:8-10 यहां पर पौलुस रिक्वेस्ट करता है, हमसे निवेदन कर रहा है कि हम उसे जाने। फिलिपियो 1:8-10 इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की रीति प्रीति तुम सब की लालसा करता हूं। हालेलुया। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ध्यान दीजिएगा पौलुस क्या प्रार्थना करता है, पौलुस प्रार्थना करता है मेरे और आपके लिए कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। आमीन। पौलुस क्या प्रार्थना करता है, पौलुस आपके लिए और मेरे लिए यह प्रार्थना नहीं करता है कि इनका बंगला बन जाए, इनको धन मिल जाए, डबल पैसा इनके इनके घर में आने लग जाए, नहीं। वो क्या प्रार्थना करता है कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित। कौन सा प्रेम, किसके लिए प्रेम, परमेश्वर के लिए प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो प्रभु से प्रेम करते हैं उसका आधार क्या है, उसका आधार क्या है, आपकी चंगाई, कि यीशु ने मुझे चंगा किया इसलिए मैं प्रभु से प्यार करता हूं, यीशु मसीह ने मुझे नौकरी दे दी इसलिए मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, मैं कहां था और मुझे कहां से उठा दिया इसलिए मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं। मेरी बहन मेरे भाई, ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हम यीशु से क्यों प्यार करते हैं। और जिस दिन आप जान जाएंगे कि मैं यीशु से क्यों प्यार करता हूं, मैं कह रहा हूं आप धरती पर स्वर्ग का अनुभव करेंगे, स्वर्ग का अनुभव धरती पर करेंगे आप जिस दिन हम ये जान जाएंगे। हर एक की अपनी अपनी मजबूरी है, हर एक के अपने अपने प्रॉब्लम्स है, और यीशु मसीह ने आपको रचा है, यीशु मसीह ने आपको चुना है। बाइबल कहती है उत्पत्ति से पहले उसने आप पर अपना चित्र लगाया, इस संसार की उत्पत्ति नहीं हुई थी, आपकी और मेरी उत्पत्ति नहीं हुई थी, मैं अपनी मां की कोख में नहीं आया था, उससे पहले परमेश्वर ने मुझ पर चित्र लगाया। आमीन। मेरा कोई डील डॉल नहीं था, मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, मेरा इस धरती पर कोई नाम नहीं था, उसने तब मुझे अपना नाम लेके पुकारा, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। रोमियो 4:17 कहता है कि जो चीजें हैं ही नहीं वो उनका नाम ऐसे लेता है जैसे वो सामने दिख रही है। हिमैन हिमैन, हम आज के लिए रोते हैं। हिमैन, जिस दिन हम यीशु मसीह को जान जाएंगे उस दिन हमारे मन की एक ही तड़प होगी कि प्रभु के करीब जाऊं, मैं यीशु को और जानूं, मैं यीशु के लिए क्या कर पाऊं, मेरा ये जीवन यीशु मसीह के लिए कैसे समर्पित हो, कैसे काम में आए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। 10वां,
यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों के प्रिय जानो, उत्तम बातों को प्रिय जानो, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। आमीन। आप ठोकर क्यों खा रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर ज्ञान नहीं है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान किया, आपके अंदर ज्ञान नहीं है। आपको पता है यीशु मसीह के चेलों ने क्यों ठोकर खाई? क्यों ठोकर खाई? पतरस कहता है कि यीशु मैं तेरे लिए जेल जाऊंगा, तेरे लिए। यीशु मसीह ने कहा आज रात को मुर्गा जब तक दो बार बांग नहीं देगा तू तीन बार इनकार करेगा, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है, मुझसे नहीं, जो मैं कहता हूं उससे प्यार कर। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु से प्यार करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यीशु का प्यार आपके जीवन में तभी सिद्ध होगा जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। हम यीशु से प्यार करते हैं, चर्च आते हैं, हम यीशु से प्यार करते हैं, दशांश देते हैं, हम यीशु से प्यार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। 14:21 क्या बोलता है? यूहन्ना 14:21 देखिए वो क्या चाहता है, ध्यान से पढ़िए बेटा, यूहन्ना 14:21। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। जिसके पास मेरी आज्ञा है, देखिए दो चीजें हैं, एक तो आज्ञा का होना और दूसरा उसको मानना। हम आज्ञाएं तो सुनते हैं, हम आज्ञाएं तो जानते हैं, लेकिन मानने में कंजूसी करते हैं, मानने में आलसी हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हमें अपने जीवन को किस तरीके से जीना है, लेकिन संसार का जो प्रभाव है हम पर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उस तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए वो कहता है जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। ये देखिए ये एक तरीका है। ये एक नियम है परमेश्वर को पाने का, परमेश्वर को जानने का, परमेश्वर की बातें आपके जीवन में पूरी हों, ये एक तरीका है। हमें उस तरीके से चलना पड़ेगा। जब तक आप उसके वचनों को अपने अंदर नहीं लेंगे, इब्रानियों 4:12 वचन जो है वो दोधारी तलवार है। जब तक आप उसे अपने अंदर नहीं लेंगे तब तक वो वचन आपके गूदे में जाकर फाड़ेगा नहीं, आपको सत्य नहीं बताएगा। आप सत्य नहीं जान पाएंगे जब तक आप अपने अंदर नहीं लेंगे। Praise the Lord। आप किसी होटल में जाते हैं और आप बैठे हुए सब, आपने खाने का ऑर्डर दिया और दूसरे की टेबल पर खाना आता है और आपके सामने से जाता है, आप उसकी खुशबू लेते हैं, हाँ यार मटन चिकन मकन मटन मुगलाई, ये सारी चीजें खुशबू आपके अंदर आती हैं, क्या उस खुशबू से आपका पेट भर जाता है? जब तक आप उस खाने को अपने अंदर नहीं लेंगे। आप तारीफ तो कर देंगे, वाह क्या खुशबू आ रही है यार, क्या खाना बना हुआ है यार, लेकिन आपको
जब उस खाने को अंदर लेंगे तभी आप उसके स्ट्रेंथ को शक्ति को पाएंगे। एक मसीहों के साथ आजकल क्या हो रहा है, मसीह वचनों की खुशबू ले रहा है। अच्छा वचन है, वाह वाह वाह, क्या यीशु मसीह ने कहा है, अच्छा वचन है, अच्छी यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, तारीफ तो कर रहे हैं आप, लेकिन क्या ले रहे हैं? यीशु क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, हर एक की दोधारी तलवार से भी चोखा है और जीव और आत्मा को, गांठ को, गूदे गूदे को अलग करके वार करता है, वार पे वार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जब वो वचन आपके अंदर जाता है तब आपको वार करता है, तब आपको एहसास होता है कि मेरे अंदर अभी भी नहीं यार, मैं अभी भी परिपक्व नहीं हूं, मैं अभी भी शुद्ध नहीं हूं। आमेन। चेलों ने, यीशु मसीह ने चेलों को 3.5 साल तक शिक्षा दी कि उन्हें वचन पे चलना है। मरने से पहले कई बार बताया यीशु मसीह ने कि मैं मरूंगा और मर के जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन वो वचन चेलों के अंदर नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो क्या कहता है, 22वां लूका 22 का 31 से 34 के बीच में, लूका 22 31 से 34 के बीच में, शमौन हे शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई पटके। क्यों मांग लिया है? शैतान जो कि हारा हुआ है उसे कैसे मांग लिया? क्योंकि आपके अंदर अंधकार है। अगर आपके अंधकार है तो आप, शैतान आएगा आपके अंदर, यीशु मसीह भी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ही अंधकार को अंधकार का घर दिया है कि शैतान तेरा घर कहां है? अंधकार में। यहूदा 1:6 बताता है कि परमेश्वर ने अंधकार को, बताइए यहूदा 1:6 बताइए, शैतान का घर क्या है? घर का नाम क्या है शैतान का? क्या नाम है? अंधकार। ध्यान दीजिए, शैतान के घर का नाम है अंधकार। इसलिए यहूदा 1:6 क्या कहता है, पढ़ो। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है, अंधकार में रखा है। तो शैतान का घर कहाँ है? अंधकार। अगर आपके अंदर अंधकार है तो शैतान आएगा। 22:24 पढ़िए, लूका 22:24। इन चेलों के अंदर अंधकार आ गया था, कैसे अंधकार? 22:24 उनमें ये बात, हाँ बोलो बेटा, चलिए बोलो, उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। आमेन। किन में विवाद हुआ? चेलों में। चेलों में ये विवाद शुरू हो गया कि हम में से बड़ा कौन है। इससे पहले क्या हुआ? यीशु मसीह, जिसको स्वर्ग और धरती का अधिकार मिल गया था, इससे पहले यीशु मसीह ने उनके पैर धोए। बाइबल क्या बताती है? धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का अधिकारी वही है। धन्य है जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी का अधिकारी वही है। और यहां पर चेले क्या कर रहे हैं? उनके अंदर विवाद हुआ कि बड़ा कौन है? मैं आया, मैं बड़ा हूं। और शैतान ने उनके घर में, उनके अंदर जाके कब्जा किया। इसलिए यीशु मसीह कहता है 22:31 में कि शैतान ने तुम्हें गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। पढ़ो बेटा 32वां, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। आमेन। हालेलुया। आगे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आगे, उसने उनसे
उसने उससे कहा, हे प्रभु, पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, बंदीगृह भी जाने के लिए तैयार हूँ। किसके लिए? यीशु के लिए। यीशु हंसे और यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। He's a lot. तू मेरे लिए जान देगा। यीशु क्या चाहता है? He's a lot. पतरस क्या कह रहा है कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। यीशु नहीं चाहता कि आप यीशु के लिए जान दें। यही बताने के लिए यीशु मसीह, देखिए क्या गए, तिबरियास झील में गए। यूहन्ना 21:15-17 के बीच में पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि इसका जवाब यीशु मसीह ने जीकर, मरकर जीने के, जी उठने के बाद दिया। जब पतरस के पास गए तिबरियास झील में और पतरस मछली में और झील में मछली पकड़ रहा था, उन्होंने पतरस को बुलाया, उससे पूछा, बढ़िया बेटा, 15 से भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यहोन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? आमीन। उसका जवाब लूका 22:31-34 के बीच का जो जवाब है कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा ना, पतरस ने कहा था, फिर उसके बाद इनकार किया। आज यीशु मसीह उसको बता रहा है कि तुम उससे प्रेम करता है? हाँ जी, मैं आपका प्रेम करता है, मेरी भेड़ों को चरा। आमीन। यीशु से प्यार करने का मतलब यीशु के लिए जान नहीं देनी है, यीशु की आज्ञाओं पर चलकर जान देनी है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए आपको जान देनी है तो परमेश्वर का आशीष आपके साथ है। मैं परमेश्वर की इच्छाएं नहीं पूरी कर रहा हूं, मैंने बोर्ड लगा लिया कि मैं यीशु मसीह का हूं, मेरे घर के बाहर लिखा हुआ यीशु मसीह मेरा है, बस, और कोई काम नहीं कर रहा हूं, मैं यीशु मसीह का हूं। आप क्या समझते हैं? शैतान आपको कठोर कर देगा, शैतान आपको कठोर कर देगा कुछ ही दिनों में। Praise the Lord. वो कहता है तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु, मैं आपसे प्यार करता है, मेरी भेड़ों को चला। उसकी इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसने क्यों चुना है हमें? ताकि हम उसके लिए फल लाएं, ताकि हम उसके लिए फलवंत हो जाएं, ताकि हम उसकी आज्ञाओं पर चलें। क्या लिखा हुआ है 14:21 जो हमने पहले पढ़ा, कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं पर चलता है। अगर आप उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप उसकी आज्ञाओं को पूरा नहीं करते हैं, आप उसे प्रेम नहीं करते और आपके जीवन में वो काम नहीं हो पाएगा। Praise the Lord. मेरी आज्ञाओं पे कौन चलता है? परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसके साथ है। इसे 3 बार यीशु मसीह ने बताया, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। क्योंकि मैं ये चाहता हूं, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे काम कर, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे अनुसार चल। ये है परमेश्वर का प्रेम, ये है यीशु का प्रेम। यीशु यीशु यीशु, बार बार सुबह शाम तक यीशु मसीह लेते रहना नाम, उससे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम पूरा नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा ना कि जब मैं न्याय के लिए आऊंगा और तुम लोग कहोगे, प्रभु हम तो आपका नाम लेते थे, हम तो यीशु यीशु कहते थे, और मैं कहूंगा तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह क्या बताना चाहता है यहां पर? तुम्हारा प्रेम
अगर मेरे लिए पूरा है तो मेरी आज्ञाओं पे चलो, अगर तुम मेरी आज्ञाओं पे नहीं चलोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी आज्ञाएं कहां है, क्या है, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। आज्ञाएं क्या है, आज्ञाओं का मतलब क्या है, क्यों परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, क्यों यीशु मसीह ने हमें आज्ञाएं दी हैं, ताकि हम अपने अंदर यीशु का स्वभाव पैदा कर सकें। परमेश्वर की यीशु की आज्ञाएं हमारे अंदर स्वभाव पैदा करती हैं। यीशु का, यीशु का नाम लेने से स्वभाव नहीं आएगा, यीशु का काम करने से स्वभाव आएगा, यीशु की तरह बनने से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस को यीशु मसीह ने चुना, और अगर हम देखेंगे प्रेरितों का काम, अगर हम देखेंगे एक्ट्स देखेंगे 22:7-8, यहां पर पौलुस बता रहा है कि साहब किस तरह से मेरा और यीशु मसीह का एनकाउंटर हुआ था। जब यीशु मसीह ने पतरस को दमिश्क में जाते हुए ऊपर से स्वर्ग से ज्योति दिखाई, वो देखना भूल गया, अंधा हो गया, क्या कहा यीशु मसीह ने, 7, हाँ, और मैं भूमि पर गिर पड़ा, हाँ, और ये शब्द सुना, हाँ, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, हाँ, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। क्या शाऊल यीशु मसीह को सता रहा था? अगर आपने बाइबल पढ़ी है, क्या शाऊल यीशु मसीह को सता रहा था, या कलीसिया को सता रहा था, या चेलों को सता रहा था, उनके अनुयायियों को सता रहा था? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर क्या बोलता है, तू मुझे क्यों सताता है। हेलो, इसलिए वो पतरस को बोलता है कि अगर तुम उससे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरे लिए मेरी भेड़ें जरूरी हैं। हमें यीशु मसीह के लिए नहीं मरना है, वो हमारे लिए मर चुका है। हम यीशु मसीह के लिए मरकर कुछ नहीं कर पाएंगे, हम यीशु मसीह के लिए संसार के लिए मरकर और यीशु मसीह के लिए जीकर जिंदगी जी पाएंगे। हालेलुया। इसलिए दूसरा कुरिन्थियन 5:16 क्या कहता है, देखिए दूसरा कुरिन्थियन 5:16 क्या कहता है, कि जो हमारे लिए मर गया हमें उसके लिए मरना है, और जैसे वो जिया हमें उसी चाल में जीना है। 5:16, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हम 15 और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें किसके लिए जीना है, हमें उसके लिए जीना है जो मेरे लिए मरा, हमें मरना नहीं है। हेलो, आप इस बारीकी को समझने की कोशिश करिए, हमें सिर्फ इशू नहीं कहना है, हमें उसके लिए जीना है, यानी कि हमारे जीवन का हर काम उसको महिमा दे, हर काम। आप अगर नौकरी भी करते हैं उसमें परमेश्वर को महिमा दीजिए, आप धंधा करते हैं परमेश्वर को महिमा दीजिए, तभी आप उस मसीहत को, उसकी धार्मिकता को सहन कर पाएंगे। मत्ती 6:31-33 क्या कहता है, कि तू क्या खाता है, तू क्या पीता है, तू कहां रहता है, क्या ओढ़ता है, इसकी चिंता मत कर, पहले मेरी धार्मिकता की खोज कर। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मेरा नाम लेता रह तू और मैं तेरे साथ रहूंगा, तू क्या खाता है, कहां पिएगा, कहां क्या पहनेगा, इसकी चिंता मत कर। 33 क्या कहता है, पहले मेरे राज्य की खोज कर, मेरी धार्मिकता की खोज कर। बड़े बेटा, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, सारी वस्तुएं, क्योंकि संसार को यीशु मसीह ने जीत लिया है, संसार को यीशु मसीह ने जीत लिया है। 1 यूहन्ना 5:4, प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु यीशु जपने से परमेश्वर नहीं मिलेगा, उसके वचनों पे चलने से परमेश्वर मिलेगा, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीने से परमेश्वर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने उत्पन्न किया वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो है हमारा विश्वास। आमेन। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है और हमें उस विश्वास का वरदान दिया है, ताकि उस विश्वास के वरदान के साथ हम इस संसार पर जय प्राप्त करें, इस संसार में हम रह सकें विश्वास के साथ। हेलो, आपके जीवन में संकट क्यों आ रहे हैं? जब आप उसकी आज्ञाओं पे चलती है ना मेरी बहन, परमेश्वर आपकी बुद्धि खोलता है आपको। अगर परमेश्वर ने आपकी बुद्धि खोली है, परमेश्वर ने आपको बताया है, तब आप उस संकट में भी उसके कार्यों को देख लेंगे। आप यूसुफ के संग परमेश्वर की धार्मिकता थी, यूसुफ को परमेश्वर ने चुना था, और जितना जो संकट उसके पास आया था उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और मिस्र में दे दिया पोतीपर के यहां। उसको गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ी। हम अपने घर में अगर आधी रोटी भी खा रहे हैं ना और आजाद हैं, तो बहुत धन्यवाद परमेश्वर का। गुलामी की जिंदगी को आपने देखा नहीं, अभी तो गुलामी नहीं होती है। कई ऐसे देश हैं जहां अभी भी गुलामी है, लेकिन गुलामी की जिंदगी जीना, यूसुफ ने गुलामी की जिंदगी जी और उसके बाद 12 साल वो जेल में रहा, लेकिन उसने उस संकट में भी परमेश्वर की योजना को जान लिया। इसलिए जब उसके भाई मिले तो उसने अपने भाइयों से कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, ये परमेश्वर की योजना थी कि तुमसे पहले उसने मुझे यहां भेज दिया ताकि तुम लोग भूखे मत मरो। आमेन। जब आप उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे, जब आप उसके राज्य की खोज करेंगे जो आपके अंदर है, जब आप परमेश्वर को जानने के लिए उत्सुक होंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर में सच्चे मन से, सच्चे ज्ञान से, सच्ची समझ से मैं तुझे जानना चाहता हूं, आप अपने संकट में परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे, आप अपनी मुसीबत में परमेश्वर की योजनाओं को देखेंगे, और फिर आप कहेंगे धन्यवाद। यूसुफ ने यही किया, धन्यवाद करता रहा वो 12 साल तक, वो कुड़कुड़ाया नहीं, उसने नहीं कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर क्या है, क्या किया मैंने, तूने मुझे सपने दिखाए, तूने मुझे दर्शन दिया और मैं जेल में हूं, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए है। आप सोचिए, जिसने आपको बहुमूल्य जीवन दिया है, क्या वो आपको उस जीवन को पार नहीं लगाएगा? आमेन। जब वो आपको जीवन दे सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी एक बहन मकान लेना चाहती है, पहले ये प्रार्थना कर रही थी कि हम मकान लेंगे, अभी इनको चिंता है कि मकान मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने कहा मेरी बहन, जिसने आपको मकान के पैसे दे दिए हैं, क्या वो आपको मकान नहीं देगा? जिसने आपको आपके अकाउंट में मकान के पैसे डाल दिए हैं, वो मकान, वो आपके लिए अच्छा मकान देख रहा है। आमेन। तो आप ये सोचिए कि जिसने आपको
अनंत काल का जीवन दिया है, अपने बेटे के लहू से शुद्ध कर दिया है। क्या वो आपकी परीक्षाएं में आपको नहीं निकालेगा? क्या आपके संकट में वो आपको नहीं निकालेगा? अरे आप थे कहां, मैं था कहां, गटर में फंसा हुआ था, दलदल की कीचड़ में था मैं, कहां था मैं? भजन संहिता 40:2 मैं कहां था? आप नहीं जानते आप कहां थे। 40:2 उसने मुझे सत्यनाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा है। उसने मुझे, हेलो दाऊद जानता है कि मैं कहां था, ये जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप इस चीज को अपने मन में कर लें कि मैं क्या था, आप उसके आशीषों को कभी भी आपके जीवन से नहीं जाएंगे। आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपको दलदल, सत्यानाश, सत्यानाश के गड्ढे, मेरा सत्यानाश हो चुका था, मैं बॉलीवुड में था, झूठ बोलता था, मक्कारी करता था, दारू पीने के लिए मेरी बीवी हर घर में जाकर झूठ बोलकर पैसा लाती थी, मेरा मकान गिरवी था, मैं सत्यानाश मेरा हो गया था, सत्यानाश के गड्ढे में था मैं, और परमेश्वर ने दलदल की कीचड़ में से उबारा। और कहां खड़ा कर दिया? मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया। चट्टान कौन? चट्टान कौन? यीशु मसीह। आमेन। आप नहीं जानते ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? परमेश्वर की ओर से। हमने कुछ भी नहीं किया है। सोचिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। दूसरा कुरिन्थियन 5:18 क्या कहता है? ये सब किसकी ओर से हुआ है? परमेश्वर की ओर से। आज जो आप यहां बैठे हैं किसकी ओर से? आप समझते मैं आई हूं? आज समझते हैं कि मैंने आज कोशिश की और मैं आज चर्च में आई हूं? आप गलत कह रही हैं मेरी बहन। परमेश्वर आज भी आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको लेकर आया है, हम बस उसे ना भूलें, हम बस कभी ना भूलें एक पल भी कि हम सत्यानाश के गड्ढे में थे। हम आज, हमें अगर आशीष मिल रहा है, उस आशीष का घमंड हमारे अंदर ना आए, हम उस नम्रता के साथ उस गड्ढे को याद करें कि हम क्या थे। क्योंकि सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से हैं। उसने मसीह में हमारा मिलाप कर लिया अपने आप। दूसरा कुरिन्थियन 5:18 उसने किए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं पे चलें, सिर्फ नाम ना लें। पतरस कहता है, यीशु मसीह मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए जेल जाऊंगा, और जब जरूरत पड़ी तो भाग गया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, अगर तुम उससे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, पतरस अगर तुम उससे प्रेम करता तो मेरा, दुनिया को मेरे नाम ऊंचा बता कि मैं कितना महान हूं। यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी इच्छा पूरी कर। हमें यीशु मसीह क्यों धरती पर थे? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। हम इस कलीसिया में क्यों हैं? यीशु की इच्छा पूरी करने के लिए। हमारा काम क्या है? सवाल तो हमें अपने आप से करना चाहिए कि क्या हम उसका काम जो हमें दिया गया है हम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं।
प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसकी आज्ञाएं हमें जोड़ती हैं। यूहन्ना 15:4, उसकी आज्ञाएं हमें जोड़ती हैं। तभी आप फल लाएंगे, तभी आप फलवंत होंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार जुड़ जाएंगे। क्या लिखा बेटा? तुम मुझ में बने रहो। तुम मुझ में बने रहो। कैसे बने रहो? जब आप उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे। और मैं तुम में। हाँ। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हाँ। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हम अकेले कुछ भी नहीं है, हमें यीशु की जरूरत है किसी भी चीज में। और अगर हम यीशु में बने रहेंगे, मेरी बहन मेरे बच्चे आप याद रखिए, आप अगर यीशु में बने रहेंगे तो ही आप में फल लगेंगे, तो ही आप में फल लगेंगे। क्योंकि जड़ यीशु है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं कौन हूं? एक डाली हूं। मैं पेड़ नहीं हूं। जड़ कौन है? यीशु। पेड़ कौन है? यीशु। मैं सिर्फ डाली हूं। मेरा काम है जुड़ना, मेरा काम है जुड़कर रहना। मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे मैं अलग हो जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आपके अंदर यह भावना आ गई, जिस दिन आपके अंदर यह सावधानी आ गई कि आज मुझे यह जॉब मिल रही है, लाख रुपए की जॉब है, कहीं मुझे परमेश्वर से दूर तो नहीं कर देगी? ओके, नो। मेरे रिश्ते को मेरा काम मजबूत करे, ना कि मेरा काम मेरे प्रभु के रिश्ते को थोड़ा कमजोर कर दे। अगर आपका काम आपके रिश्ते को जो प्रभु के साथ है उसमें मजबूती ला रहा है, वेरी गुड। और अगर आपका काम आपके रिश्ते को कमजोर कर रहा है तो जांचने की जरूरत है। आप कभी कभी समझते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन आप शैतान के अटैक को नहीं जानते। शैतान का अटैक बहुत बुरा है। मेरे चारों तरफ प्रभु का बाड़ा हमेशा रहे, मुझे इसके लिए अपने काम को, अपने जीवन को अपने प्रभु के वचन के अनुसार निभाना है। जैसे ही अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा हट गया था, विद इन ए 1 आवर अय्यूब तबाह हो गया था। बाइबल कहती है 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर शैतान कहता है कि मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता अय्यूब को, क्योंकि परमेश्वर तेरा बाड़ा उसके चारों तरफ है। यानी कि हमें कौन, हमारी कौन रक्षा कर रहा है? परमेश्वर का बाड़ा। पहला पत्रस 1:5 कहता है कि परमेश्वर का सामर्थ हमारी रक्षा करता है धरती पर। इस धरती पर हमारी रक्षा कौन कर रहा है? परमेश्वर का सामर्थ। इसलिए वो सामर्थ मेरे अंदर बना रहे, हमें बस इस चीज में सजग रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी लास्ट वचन पढ़ लीजिए। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आमीन। आपको चुनकर, आपको शुद्ध करके, अपनी आत्मा देकर आप क्या समझते हैं परमेश्वर ने यूं ही छोड़ दिया क्या? परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी सेवा करते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे परमेश्वर के बने रहें, कैसे आप वो चाल चलें जो परमेश्वर को पसंद है, ये आप पर है। आप कैसे उस सामर्थ को अपने अंदर मजबूती दें, आपके ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसकी आज्ञाएं हमारे लिए बहुत जरूरी हैं।
इसलिए पतरस को यीशु मसीह ने बताया कि अगर तुम उससे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। और यही बात हमसे बोलता है परमेश्वर कि अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं पे चलना है, हमें उसकी इच्छाओं पे चलना है। हमें अगर यीशु मसीह को प्रसन्न करना है तो हमें उसके अनुसार काम करना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थी नाम में अद्भुत शिफा है परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। आज इस वचन के द्वारा हमें पता लगा कि तेरा प्यार सच्चा है और तू चाहता है कि जो तेरे मुख से निकला है वो वचन हमारे जीवन में काम करे। हम उस आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं जो तू चाहता है परमेश्वर। हम अपने जीवन को यूं ही ना बिताएं। दयालु पिता, दया कर हमारे जीवन में हर पल तेरी आज्ञाएं हमारे जीवन में काम करें। तेरी आत्मा की अगुवाई में हम अपने जीवन को बिताएं। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमेन, आमेन। विश्वास करिए प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।